नमस्कार, कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ एडवोकेट नफीस खान जी मौजूद हैं और हम आपसे ही कानूनी जानकारी चाहेंगे। मेरा निवेदन है आप कानूनी जानकारी प्रस्तुत करें। जी नमस्कार भाई, सभी लोगों और हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी को भी नमस्कार। आज हम आपको एक कानूनी जानकारी, जिसकी हमें कानून से न्याय प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो परिवाद क्या है। सबसे पहले आज हम परिवाद के बारे में आपको जानकारी देंगे कि परिवाद क्या है और परिवाद किन परिस्थितियों में दायर किया जाता है, उसका परिणाम क्या होता है। जी परिवाद, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर चलता है। संविधान में सभी अपराधों को नियमों की अलग अलग धाराएं दी गई। संविधान को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में परिवाद के बारे में परिभाषित किया गया, बताया गया है कि परिवाद की आवश्यकता पड़ती है तो परिवाद हम कहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है कि परिवाद हम कहां ले जाएं। परिवाद तो ये हमको एक अधिकार है जी। धारा 2D में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार मजिस्ट्रेट के पास हम परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवाद हम दोनों तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लिखित भी दे सकते हैं, साथ साथ में हम मौखिक भी दे सकते हैं। अब परिवाद क्या मतलब क्या है, हम सीधे तौर पर ये बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट के को किया गया आरोप, जिसके अनुसार वो मजिस्ट्रेट जिसके प्रति हम जिसको हम आरोप प्रस्तुत कर रहे हैं वो नियमित और विधिक कार्रवाई अपराधी के प्रति कर सके। जी अब देखिए, भारत का संविधान, भारत का प्रत्येक नागरिक या सदस्य भारत के संविधान के अनुसार ही चलता है और भारत के संविधान के अनुसार ही उसको न्याय मिलता है। बिल्कुल। और न्याय जब मिलता है तो हमारा भारत का संविधान जो है प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म सबके लिए और अपराधी के लिए भी है। अब देखना है भारत के संविधान के अनुसार देश में किसी भी नागरिक के साथ जब सबसे पहले जब किसी व्यक्ति या किसी नागरिक के साथ कोई घटना घटती है तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन या सूचना किसको देता है, सबसे पहले वो नियरेस्ट पुलिस थाना है या कोई पुलिस चौकी है वहां पर देता है। देने के बाद फिर वो जब वहां से न्याय से वंचित होता है या उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती है या उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है तो वो जो जिला पर हमारा सबसे पुलिस का सबसे बड़ा मुख्यालय मुखिया है, जिसको हम पुलिस कप्तान कह सकते हैं या पुलिस अधीक्षक कह सकते हैं या SP कहते हैं, उसके पास वो अपना शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र देता है। जब वो न्याय से वंचित हो जाता है, पुलिस उसके खिलाफ पीड़ित पक्ष के जिसके खिलाफ उसने कार्रवाई करने के प्रार्थना पत्र आरोप किया है, जब उसको न्याय नहीं मिलता है तब उसके पास भारत के संविधान के मुताबिक 1973 धारा 2D के अंतर्गत वो परिवाद मजिस्ट्रेट के प्रस्तुत कर सकता है, ये उसका अधिकार है कि परिवाद समक्ष दायर कर सकता है। बिल्कुल। अब परिवाद दायर करने के लिए उसे क्या चाहिए। जी ठीक, परिवाद दायर करने के लिए क्या चाहिए। परिवाद कभी कभी संज्ञेय और असंज्ञेय दो तरीके के अपराध होते हैं, एक संज्ञेय होता है दूसरा होता है असंज्ञेय। अब दोनों संज्ञेय अपराध में परिवाद किया जा सकता है, असंज्ञेय दोनों तरह के अपराधों में अधिकार है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपना परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकता है। जी। अब परिवाद लिखित है या मौखिक प्रस्तुत किया गया है, दोनों अलग अलग तरीके से। लिखित जब अधिकांश हम लोग जो परिवाद प्रस्तुत करते हैं किसी मजिस्ट्रेट के सामने तो लिखित ही करते हैं। लिखित जब परिवाद प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यक है उसके साथ में शपथ, यानी उसके साथ हमको शपथ पत्र का देना आवश्यक है, शपथ पत्र देना आवश्यक है। शपथ पत्र जब हम दिया जाना जरूरी है परिवाद के साथ में। अब देखें कि परिवार जब प्रस्तुत करेंगे तो अभी तक जो हमने किसी पुलिस
चौकी में गए या थाने में गए हैं या कप्तान के पास गए या अन्य कई उच्च अधिकारियों के पास जब प्रार्थना पत्र दिए हैं तो उनकी एक कॉपी होती है, उस कॉपी को भी हम शपथ पत्र के साथ संलग्न करें बेहतर होगा जी। कि जिससे जिस मजिस्ट्रेट के पास परिवाद प्रस्तुत किया गया है तो वो ऑलरेडी उसको देखे, पहले देखे उसको क्या ये पीड़ित पक्ष न्याय पाने के लिए कहां कहां गया है, वास्तविकता में ये न्याय का प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं है जी। ये सारी चीजें जब आपने पूर्व में की गई कार्रवाई है उन कार्रवाइयों के द्वारा जो प्रार्थना पत्र है तो वो अपने प्रतिवाद के साथ में प्रस्तुत करें, लगाएं उसकी एक एक प्रतिलिपि परिवाद के साथ में प्रस्तुत करें। अब परिवाद जो कहां, हमने आपको सबसे पहले बताया कि परिवाद मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और मजिस्ट्रेट चाहे परिवाद को स्वीकार करने के लिए साक्ष, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी दोषी को सजा दिलाने के लिए गवाह या साक्ष का होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। अगर आपके पास अपराधी या दोषी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो आप साक्ष्य, आप उसको सजा नहीं दिला सकते हैं और ये सारी कंडीशन, सारी शर्तें परिवाद पर भी लागू होती हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से जिसके खिलाफ ये शिकायत बनाए और परिवाद प्रस्तुत कर दे और उसको दंडित करा दे, ऐसा नहीं है। सत्यता की जांच के लिए आवश्यक है कि आप अपना साक्ष्य कलेक्ट करें, वो साक्ष्य संबंधित जहां पेश किया है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें जी। अब ये मजिस्ट्रेट को देखना है आपके द्वारा लिखित जो किया गया है तो मजिस्ट्रेट परिवादी या उसके साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक हो। मजिस्ट्रेट जिसने परिवाद प्रस्तुत किया है उसका या अन्य साक्षियों का साक्ष्य लेना आवश्यक है जी। अब मजिस्ट्रेट के लिए ये विशेषा एक अधिकार है कि मजिस्ट्रेट जांच या विचरण के लिए मामले को धारा 192 के आधार पर वो चाहे तो ये ही मैटर परिवाद किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है, अपने हाथ से प्रति हवाले कर सकता है, ये उसका अधिकार है। ये जरूरी नहीं कि अगर उसके पास ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं तो वो सब मजिस्ट्रेट के समक्ष या उस मजिस्ट्रेट के पास बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। अब आ जाता है तमाम परिवाद पत्र प्रस्तुत हो गया, या हमें एक बात बताना थोड़ा सा आपसे भूल गया कि परिवाद है क्या। परिवाद को इंग्लिश में हम लोग कंप्लेंट कहते हैं, उर्दू में इसको इस्तखासा, ये दोनों बातें हैं, लोगों की जुबान पर रहता है, दोनों की जुबान में अक्सर हमारी सुना गया। एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भिन्न भिन्न भाषाओं की बोलचाल की भाषा है, इसमें उर्दू का भी है, संस्कृत का भी, इंग्लिश का भी है, लेकिन तीन भाषाएं ऐसी हैं इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये ज्यादा हमारे चलन में रहती है। तो इसको क्योंकि हमारी न्यायपालिका पूर्व में उर्दू, उसमें लगभग 40% उर्दू, बल्कि 50% उर्दू के शब्द, अदालत भी उर्दू का शब्द है, इस्तखासा भी उर्दू का शब्द है और गवाह भी है, साक्षी जिसको हिंदी कहते हैं, तो ये एक कह सकते हैं कि उर्दू मिक्स है, उर्दू मिक्स है, इसलिए वहाँ। अब और ये भी बता रहे हैं जब मजिस्ट्रेट विचरण के लिए धारा 152 के अनुसार जब किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा तो वो मजिस्ट्रेट सबसे प्रथम क्या करता है, सबसे पहले आपने जो मटेरियल्स अपने परिवार में इकट्ठा किया उस मटेरियल्स के अनुसार, उस साक्ष के अनुसार वो आपका साक्ष लेगा। आपका साक्ष 202 CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की 202 CRPC जो है उसके तहत आपके अभिकथन को लिखेगा, उसके बाद अन्य साक्षी क्या नाम वो साक्ष ले सकता है। अब आ जाता है कि ये दो साक्ष होने के बाद, सबकर होने के बाद जब परिवाद हमारा लास्ट स्टेज आती है कि जब दोषी को तलब कराना है तो एक विशेष अधिकार उस मजिस्ट्रेट को है जिसके समक्ष हमारा परिवाद विचाराधीन है, चल रहा है, तो वो 202 के अंतर्गत वो जो अपराधी है, जिसने परिवादी के साथ जो अपराध किया है, उस अपराधी के विशेष उसकी जानकारी के लिए वो जिस स्थान पे रहता है उस स्थान पर जाकर या जैसे भी किसी भी एजेंसी के द्वारा जो उससे संबंधित हो स्वयं जाकर उसकी जांच कर सकता है, या
किसी भी एजेंसी के द्वारा उसके अन्वेषण कराने की शक्ति है, वो अन्वेषण करा सकता है कि क्या जो परिवादी द्वारा जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है उसने जो साक्ष्य इकट्ठा किया गया है उसमें कुछ असत्यता वो नहीं या ऐसा हुआ तो नहीं, इसके लिए वो 202 सीआरपीसी के तहत वो आदेश जारी कर सकता है। और वो किसी भी मतलब एक एजेंसी या पुलिस एजेंसी, अधिकतर आपको बताते हैं कि कानून फर्क उसमें अपराध की दुनिया में या अपराध जहां पे होता है तो वहां पर पुलिस का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि उसको अन्वेषण करने की लाइन आर्डर करने का अधिकार है। तो वो नियरेस्ट थाना या चौकी या जो भी चाहेगा उस विवेचक के द्वारा या उस जहां भी पुलिस किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा वो उसका अन्वेषण करा सकता है। अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अब ये जारी जब किया 203 प्रक्रिया आती है, 202 के बाद आ जाता है धारा 203 से आती है। 203 के तहत क्या होता है, आपने जनरल तरीके से सोचा होगा देखा होगा कि 203 में मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर देता है। खारिज किन परिस्थितियों में किया जाएगा, उसके लिए जब वो अन्वेषण कराता है, जांच कराता है या कुछ उसमें उसको लगता है कि जो परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है उसमें पर्याप्त सबूत या पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और जो आरोप लगा रहा है वो आरोप नहीं सिद्ध कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो 203 सीआरपीसी के तहत उस परिवाद को निरस्त कर देगा। अच्छा, परिवाद को निरस्त कर देगा और निरस्त करने के बाद परिवादी के पास एक अधिकार है कि वो कुछ रिवीजन उसका डिस्ट्रिक्ट जज या उसके सब नेट जो भी है उसके यहाँ वो प्रस्तुत कर सकता है उसी फिर विचारण के लिए कि हमारे साथ ऐसा मजिस्ट्रेट के द्वारा विचार प्रस्तुत कर सकता है। अब दो आदेश फिर उसके पास एक आता है कि लास्ट स्टेज आते 204 सीआरपीसी में वो आदेश जारी करेगा कि दोषी के प्रति दोषी व्यक्ति या अपराधी है उसके पर्याप्त साक्ष्य पाया गया और वो आदेश कर देगा उस दोषी व्यक्ति को या अपराधी को उसको पर्याप्त आधार पर उसके पर संबंध जारी कर देगा। संबंध जारी करने के बाद अगर वो नहीं आता है तो वारंट का प्रावधान है। वारंट जैसा कि सभी लोग जानते हैं वारंट दो तरीके के होते हैं, BW होता है एक NBW होता है। BW में बैलून और नॉन वेले NBW जो गिरफ्तार करके भी पुलिस ला सकती है। लेकिन अब इन सारी प्रक्रिया करने के लिए परिवादी को भी कुछ जरूरी आवश्यक कार्य हैं जो परिवाद के साथ करना आवश्यक है। जब वो जारी करेगा तो संबंधित परिवाद की जारी करने संबंध या BW जारी करने के लिए बोर्ड में उसको एक फीस जमा करनी पड़ेगी। हम लोग हिंदी में इसको तलवाना जारी करना आवश्यक है और तलवाना लगाना जरूरी है। अगर तलवाना नहीं लगाया जाता है विद इन टाइम, चाहे 7 दिन का टाइम चाहे 1-2 सप्ताह का टाइम हो, उस टाइम के अंदर भीतर आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो मजिस्ट्रेट उस परिवार को निरस्त कर सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम परिवाद प्रस्तुत करते हैं तो उसमें एक हमको सूची गवाहान ये भी दाखिल कराना आवश्यक है। संबंध जारी होने से पहले तलबी बहस होती है, उस तलबी बहस संबंध जारी होने से पहले हमको परिवाद में सूची गवाहान का भी फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आप सूची गवाहान नहीं फाइल करते हैं तब भी आपका परिवाद मजिस्ट्रेट इन त्रुटियों के बस निरस्त किया जा सकता है। उसके बाद कभी कभी मजिस्ट्रेट के सामने आता है परिवाद क्या ऐसा तो नहीं है कि ये फर्जी बनाना है, नहीं फर्जी बनाना तो अलग बात है, परिवाद सेशन ट्रायल तो नहीं। ट्रायल दो तरीके के होते हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है, सेशन ट्रायल सही। अगर उसको लगता है ये बहुत ही असंगेय उसमें है, घोर कह सकते हैं घृण मतलब बड़ा अपराध है, हीनस क्राइम है, तो वो उसको विचरण के लिए सेशन ट्रायल को भी विचरण के लिए कर सकता है। उसके बाद प्रक्रिया अलग हुई। अब ये हमारी बात आ गई परिवार में क्या क्या तत्व है, क्या जरूरत है, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई और इन ऐसे में ही क्या नाम परिवादी न्याय प्राप्त कर सकता है और वो दोषी को दंड दिला सकता है। परिवाद मतलब प्रत्येक नागरिक का एक अधिकार है और भारत के संविधान के मुताबिक भारत के प्रत्येक
व्यक्ति या नागरिक को ये अधिकार है कि वो उसके साथ हुए अपराध जी उसके साथ हुए अपराध का दंड दोषी या जो अपराधी व्यक्ति को दिलाए जाने के लिए पुलिस का भी सहारा ले सकता है। पुलिस अगर उसको वंचित कर रही है, सेवा से नहीं कर रही है, तो हम परिवाद में आ सकते हैं। ये हमारा भारत के संविधान के हमने आपको बताया दंड प्रक्रिया संहिता 1973(2)(d) के अंतर्गत ये परिवाद को डिफाइन किया गया है और ये बहुत ही आवश्यक है। और परिवाद एक ऐसा वाद है जिससे कि हमारे पास हमेशा इसका अधिकार सुरक्षित रह सकता है और दोषी व्यक्ति को हम जरूर दंड दिला सकते हैं तमाम सबूतों के आधार पर ऐसा करना। और आज हमारे बड़े भाई दयेंद्र जी ने हमने को इस परिवाद के सब्जेक्ट पर बोलने का अवसर दिया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आए। और मेरा सभी से ये निवेदन है कि बहुत से झगड़े बहुत से अफेंस सिर्फ शब्दों के सही चयन से नहीं होते। जैसे हम कहीं छोटा मोटा चालान हो रहा है आपका जी वाहन का जी। हम क्या करते हैं पुलिस से उलझ जाते हैं, तो वहां अगर हम विनम्रता से अगर पेश आवे तो हो सकता है। ये बहुत सही बात हमारे भाई रविंद्र भाई ने बताई जी कि विनम्रता हाँ बड़ी सुखदाई है, सुखदाई है जी। और ये न्याय पाने के लिए भी सुखदाई हाँ। हम लड़कर और झगड़कर हाँ। अपने उच्च अधिकारियों या हाँ। कर्मचारियों से न्याय हाँ। नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमको अपनी सही बात रखने हाँ। के लिए सही विनम्रता का होना जरूरी है और हमें उसको अपनी बात रखने के लिए ये बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है कि हम अपनी भाषा शैली का विनम्र रहे और क्रोध पर काबू पाए, ये बहुत जरूरी है। और बहुत से आपके लड़ाई झगड़ा सब इसी से होते हैं जी। तो अगर इस पे अगर काबू पा लिया जाए तो हमारे साथ बहुत सी आपदाएं जो आने बहुत से समाधान का समाधान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में आप आए और यहीं पर कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार।